बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। एक नारियल पानी देना। रो मत यार फिर अगर दो सेब मेरे पास अभी बचे हैं ये खा लो और पाप को कुछ दे दो पैसे, ठीक है? तो भाई ये रही अपनी नीचे की पार्किंग, हमारे उस्ताद तो यहाँ से चले गए। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। क्या थोड़ा ना इधर ठंडा लग रहा है तो इसके लिए भाई थोड़ा आवाज़ भी कब पहाड़ से निकल रही है, ठीक है? अभी आ जाओ निकलते हैं आगे हम भी। हम भाई आ चुके हैं हैदराबाद, और हैदराबाद ना भाई ये सड़क आड़ा ब्रिज दिख रहा है ये, भाई हमें आड़ा ब्रिज पे चढ़ना है और सीधा भाई नागपुर साइड चढ़ेंगे। और यहाँ पे इतना जाम और भीड़ लग रहा है ना यार, क्या ही बताऊँ आपको यार। ड्राइवर भी इतना घायल करते ना भाई यार, क्या ही बताएं। देख रहे हैं गाड़ी यार निकल रही तो इनको थोड़ा सा रुकना चाहिए, पर नहीं यार आप ही रुको हमको निकलने दो, ऐसे करते यार। आज हम प्यार से ना भाई ऊपर चढ़ जाते हैं पहले, क्योंकि रिक्सी बहुत है क्या सिटी एरिया थोड़ी पड़ती है ना भाई, बाइक कार अरे नहीं तमाम आदमी निकलते हैं और इसमें अपने को बच के निकलना पड़ता है, ठीक है? आ जाओ अभी ऊपर चढ़ते हैं, इसके बाद भाई तो हाईवे मिल जाएगा, कुछ दूर तक अच्छा खासा सफ़र कटेगा, फिर उसके बाद भाई फिर से अपने को वही रोड मिलेगा 4 लाइन, ठीक अपने को बच के निकलना पड़ेगा, फिर भी उस पर ना मोहलत मिल जाती है। सामने देखो ये कार कैसे खड़ी की है, बताओ ऐसे एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? देख रहे हो आधा इसमें आधा उसमें, जो कि ये ट्रक का लाइन है जिसमें हम चल रहे हैं ना, ये ट्रक का लाइन है। और वो वाली पट्टी दिख रही है भाई, वो एकदम भाई पट्टी पूरा कहीं पर कटपिट नहीं है, यानी वो इसीलिए होता है कि अगर आपकी गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई तो उस वाली पट्टी में जा कर रोक सकते हो, ठीक? पर कितने लोग होते ना भाई, आपको एक बार लाइसेंस कौन देता पहली बात, ठीक है? अरे इतना ट्रेनिंग का लाइसेंस मिल जाता है, मैं समझ नहीं पाता भाई भैया ये वाली बात, क्योंकि देखता हूँ बहुत लोग बिना इंडिकेटर देते हुए यार निकलते हैं, क्योंकि देखता हूँ बहुत लोग बिना इंडिकेटर दिए भाई लाइन चेंज करते हैं, बिना इंडिकेटर दिए मतलब जो मन वो कर देते हैं, ठीक? बाद में अगर कुछ होता है तो भाई उसके आस पास में कोई भी गाड़ी अगर रहेगी तो उसके ऊपर आ जाता है, तो ये दिक्कत होती है, ठीक? आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि अगर आप एक्सप्रेस वे पे हो या रिंग रोड पे हो तो आप यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हो ना ये वाली, तो कहीं कहीं पे ये पीली पट्टी होती है, कहीं कहीं पे वाइट है, ठीक? पीली पट्टी वाइट पट्टी इसका भी मैं मतलब बताऊँगा आपको, पर फिलहाल इसको समझाता हूँ। जो ये पट्टी दिख रही है ना वाइट वाइट, अभी कहीं पर कट पिट नहीं है, उस साइड में अपनी गाड़ी रोक सकते हो अगर कोई दिक्कत परेशानी आ गई है तो। नहीं तो भाई आपको 4 लाइन मिलता है, जो कि 2 लाइन कारों के लिए 1 लाइन ट्रकों के लिए, और 4 लाइन मिलता है आपको, जो कि 2 लाइन कारों के लिए 2 लाइन ट्रकों के लिए। उसमें से कार वाली जो 1 लाइन है लास्ट वाली, उसमें आप ओवरटेक कर सकते हो, जैसे कि वो लास्ट वाली। तो अभी ये गाड़ी भी स्लो चल रही है हमसे, और कहीं ना कहीं सामने से मैं ओवरटेक भी नहीं कर सकता, सामने एक गाड़ी और है, इसके लिए मैंने भाई कार वाली लाइन में आ गया। वैसे इंडिया में मतलब सब चल जाता है, पर जो मैं गलती किया हूँ ना ये गलती करनी नहीं चाहिए, जैसे कि मैं कार वाली लाइन में आके ओवरटेक कर रहा हूँ, ठीक? पर भाई जगह ना मिलने की वजह से भाई अब मुझे करना पड़ रहा है ओवरटेक, क्योंकि ये गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं, तो भाई मैं कब तक कि लोगों के पीछे स्लो चलूँगा। देखो अभी ये ड्राइवर है तो पता क्या कर रहे हैं भाई, सुरती जिसको खैनी बोला जाता है, ये खैनी लग रहे हैं, और वो पीछे वाले ड्राइवर थे वो फोन पे बात कर रहे थे, इसके वजह से यार ये लोग जिस लाइन में है उस लाइन में खुश है और आराम से स्लो स्लो चल रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि भाई जब स्लो ही चलना है या एक ही स्पीड चलनी है तो एक लाइन पकड़ लिया जाए, जैसे कि अगर आप ज़्यादा स्लो चल रहे हो 40-45-50 की स्पीड में तो भाई ये लाइन पकड़ लो, आप 50-55-60 की स्पीड में चल रहे हो तो ये लाइन पकड़ लो। ये बात मैं बता रहा हूँ ट्रक वालों को, ठीक है? और जो कार वाले भाई 80-100-150 ऐसी स्पीड चलते हैं तो ऑलरेडी उन लोगों के लिए ना ये 2 लाइनें पड़ी हैं, जो कि 80 से लेके 70 वाले
मेरे बाजू वाली लाइन में चल सकते हैं इस वाली में, और जो भाई 120 वाले 100 वाले हैं वो एकदम लास्ट वाली लाइन में चल सकते हैं। ठीक, क्योंकि उनको कोई ओवरटेक तो करेगा नहीं, यही बात है। ठीक है, बस यही बोलूँगा भाई, अगर आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, ठीक, और ट्रक चलाते हो, तो आप यार थोड़ा सा नियम का जान लो, कैसा कहाँ पे क्या इंडिकेटर है, कहाँ पे गाड़ी साइड लगानी चाहिए, रोड पे कैसा चलना चाहिए। ठीक है भाई, बस आपसे यही विनती है कि आप इसको अच्छे से जानो और रोड पे उतरो, नहीं तो यार हादसा होता है आपसे और गलती भुगतनी पड़ती है और किसी को। अगर आप नियम से सही रहोगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। कितने नए पुराने ड्राइवर होते हैं जो कि भाई अगर रिंग रोड पे चढ़ते हैं तो उनको पता नहीं होता कहाँ से उतरना है, कौन सा हाईवे है, कौन सा एग्जिट पॉइंट नंबर है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको पहले से ही एक ऐसा बोर्ड मारेगा। ठीक, अब जैसे हैदराबाद वरंगल के लिए उतरना है तो 9 नंबर एग्जिट है, NH 163 नंबर, ये हाईवे है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक बोर्ड मार दिया, अभी यहाँ से ठीक 500 मीटर बाद एक बोर्ड और मारेगा, जो कि वहाँ पे आप देख के से वहीं से भाई आपको उतार दिया जाएगा नीचे। इस बात को याद रखें और देखते चलें, जैसे कि सामने ही अपने दिख रहा है बोर्ड, जैसे वरंगल 9 नंबर 163 नंबर हाईवे। ठीक, आप आराम से आगे जाके फिर आधा किलोमीटर बाद आपको यहाँ से नीचे उतार दिया जाएगा। तो ये भाई पहले से 1 किलोमीटर दूर से ही पहला बोर्ड मारा जाएगा, आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, आपका एग्जिट पॉइंट आ गया है, आप उतरने की तैयारी कर ले। फिर उसके बाद आधा किलोमीटर बाद और एक एग्जिट पॉइंट मारा जाएगा, फिर उसके बाद भाई आपको जो तीसरा आएगा वहाँ से आपको उतरना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी देखो यहाँ आ गए, अभी आपको यहीं से एक रास्ता और बना दिया जाएगा कि आप धीरे धीरे एक्सप्रेस वे से अपनी स्पीड ना कम किए हुए उधर लेके जा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी स्पीड को कंट्रोल करें, और स्पीड को कंट्रोल करके आपको फिर से वरंगल और हैदराबाद के लिए बोर्ड मार दिया जाएगा, एग्जिट पॉइंट बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाएगा और NH नंबर भी लिख दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आप आगे जाके भाई उतर सकते हैं। तो भाई आपको फिर से यहाँ पे आप देखते रहिए और अपने जो एग्जिट पॉइंट है सही उस पर आप उतर जाओ बिना झिझके, क्योंकि आपको 4 से 5 बोर्ड मार दिया जाएगा भाई कि आपका एग्जिट पॉइंट ये है, नेशनल हाईवे ये है। ठीक है, आप आराम से उतर जाओ, फिर ये ना दिक्कत हो कि भाई मैं भूल गया और आगे चला गया। ठीक है, आपको कहीं भी कट होता है, जैसे कि कोई भी आप रिंग रोड पर चल रहे हो, आपको ऐसे ही कट मिल जाएंगे और पहले से आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। अभी हम भाई विजयवाड़ा की साइड जा रहे हैं, तो विजयवाड़ा उतरेंगे, इसके लिए हमारा एग्जिट पॉइंट है 11 नंबर, तो 11 नंबर पे उतरेंगे, और अभी यार काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि 9 नंबर फिर 10, यानी तीसरा नंबर हमारा है। ये आ गया भाई अपना कट विजयवाड़ा का 11 नंबर एग्जिट, तो आधा हम भी आराम से उतरते हैं, यार छोटा कट ऐसे लग रहा है पर है सही। ठीक, सामने के बाद एक परेशानी होती है, इतने सारे रोड दिखते हैं दिखता नहीं। ठीक, तो वहाँ पे भाई लिखा हुआ है खम्मम विजयवाड़ा हैदराबाद सिटी के लिए इधर, और इंडिकेटर बराबर भाई दे के ही निकलना, नहीं तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है। सामने से एक हमारी पालिया की गाड़ी आ रही है, वो देखो देखे भाई गाड़ी और आई यार, इधर देखो ऊपर आ जाओ, आराम से हम उतर गए अब विजयवाड़ा वाले रोड पे। ट्रैफिक होता है भाई रोडों पे, थोड़ा सा आराम से उतरना पड़ेगा हमें, क्योंकि साइड ग्लास देखते रहो और आराम आराम से आगे बढ़ते रहो। भाई कर्नाटक में घुस गए, भाई गाड़ी अपनी पूरी साइड लग गई है अच्छे से, और इस साइड विजयवाड़ा साइड क्या है ना, या केरला साइड, आपको नारियल पानी बहुत सस्ते मिल जाएंगे पीने के लिए, और भी अच्छा खासा। अभी हम रोड देख के भाई पार करते हैं, क्योंकि यार ऊपर से भी गाड़ियां आती हैं और सीधे सीधे भी गाड़ियां आती हैं, एक साइड से पार करना पड़ेगा, ये भी पार हो गए, इधर से ट्रैफिक थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि आधा ट्रैफिक ना उस रोड से निकल रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। आ जाओ, ये रहा अपना नारियल पानी, 30 रुपये आ जाओ भाई पिया जाए अपना नारियल पानी। वैसे मेरे उस्ताद फ़ोन कर दिए थे,
एक नारियल पानी देना। ऐसे बोलना भी पड़ता है भाई कि मलाई वाला चाहिए या सूखा, क्योंकि मलाई वाला बोलोगे तो मलाई वाला मिलेगा, नहीं तो बस पानी वाला मिलेगा। अब मलाई वाला देना ठीक है, पानी रहे हल्का मलाई रहे। भाई कटिंग देखो एक बार, ओहो मलाई ज़्यादा लगता है। अभी भाई पी के दे दिया, अब इसको फाड़ देंगे और इसी में से चम्मच भी निकाल देंगे और फिर उसके बाद मलाई अपना खाते रहो। ये निकल गया अपना चम्मच, भाई मलाई दिखाता हूँ आपको एक बार। फिर फाड़ के इसे मलाई है ना, तो सब मलाई निकाल के खा लूँ और चम्मच अपना जो पकड़ा हूँ आपने ये चम्मच है। और ये भाई पानी, खाली इसमें पानी रहेगा, देखो छोटा है ना, पर इसमें खाली पानी पानी। ये हो गया भाई अपना नारियल पानी एक पार्सल और एक टीका। ये सस्ता मिलता है ना, जब तक वापस आएंगे यार तब तक फिर से दोबारा ले लेंगे। अभी कल के लिए आराम से पी लेंगे, वे गाड़ी अपनी सामने ही लगी है। आ गए भाई गाड़ी के पास। कौन छोड़ दिया आपको? ड्राइवर छोड़ा था। ड्राइवर छोड़ दिया? अच्छा ये हाफ बॉडी जो अन्ना वाली गाड़ी होती है, हाफ बॉडी यानी रास्ता नहीं घिस पा रही, इसके लिए छोड़ के चला गया। छोड़ा तो राजमंड्री में, 3 दिन हुआ यहाँ तक आया हूँ। ऐसे सब ड्राइवर लोग, 3 दिन हो गया अभी तक आए। यहाँ तक पहुँचा कर्नाटक रायचूर का हूँ। कर्नाटक का हो? रायचूर। खाना ना कुछ नहीं खा रहे हो? अभी घर कैसे जाओगे? अच्छा तो कोई कोई आपके मतलब आपके इधर रहने वाला वो गाड़ी पे नहीं बैठा था? कोई गाड़ी वाला नहीं मिला, राजमंड्री से यूपी वाला मिला था ड्राइवर, वो लाके छोड़ गया छोटू पल। जो राज एक बीआर वाला ड्राइवर मिला था उसमें लाके छोड़ दिया रात में, 11 बजे आके रात में कोई ना कोई। भाई यार जब से आपकी सफर से निकला हूँ ना कोई मुझे मिल रहा है यार, ऐसे लोग मतलब क्या बताएं। ला मेरे पास एप्पल 2 बचे हैं, ठीक है एप्पल देते हैं कुछ और पैसे दे देते हैं। ये अपना ये सेब खाओगे ना, ये 2 सेब मेरे पास अभी बचे हैं, ये खा लो और आपको कुछ दे दो पैसे, ठीक है। रो मत यार फिर अगर मैं चलता उधर ना मैं आपको बैठा के ले चलता, रो मत ठीक। मेरे पास 2 ही सेब बचे थे, ठीक है। और मतलब उस्ताद यार मत रो तो मैं कुछ। ये नारियल पानी पियोगे? मैं पी लिया, ठीक है। ये पाइप भी लो, रुको मैं कुछ देता हूँ। ये चाबी से हॉल कर लो, ठीक पियो आराम से, ठीक है। बस उस्ताद यार ऐसे लोगों को देख के यार ऐसा क्यों मुझे मतलब रोना आ जाता है, क्या बताऊँ। चलो यार बस अब किस सफर में मिल रहे लोग यार जितना मुझे हो रहा है ना उतना मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ अब, क्योंकि भाई पहले मैं भी कुछ गरीबी घर से आया हूँ ना, इसके लिए मैं समझ सकता हूँ कौन कैसा है कौन कैसा है, ठीक है। अच्छा भाई हम भी आगे चल रहे हैं क्योंकि वो उस्ताद जी है ना वो आगे चल के भाई नाश्ते वाली दुकान पर चल के रुके यानी टपरी पे। आ जाओ सेल्फ मारते, फिलहाल स्टार्ट करते हैं भाई। गाड़ी हमेशा न्यूट्रल में रखा करो और हैंड ब्रेक डाल दिया करो, ठीक है। आज और कैमरा चालू हो गया आराम से, अब कंटिन्यू करते हैं भाई। अपनी गाड़ी भाई देखो वो दोनों लगी है, तो अभी ना यहाँ पे हम जगह का नाम चोटी पल है, यहाँ पर रुके थे भाई एटीएम से पैसे निकालने के लिए, जो क्या रहा HDFC का ATM उस बाजू था। फिलहाल अभी सीढ़ी से आ गए इधर और अपनी गाड़ी तो भाई लग गई पार्किंग में। फिलहाल हमारे उस्ताद जी की अभी गाड़ी लगेगी बैक होके, आ जाओ क्या है ना आगे फिर होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तभी टाइम भी अपना हो गया 12:10:20 हो रहे होंगे, तभी उस्ताद जी का मस्त गाड़ी लगवाते हैं पहले और गाड़ी तो करते हैं बंद, उसके बाद खा पी के ना फिर यहाँ से निकलेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ से 250-250 किलोमीटर अभी चलना है। मैं ऐसे क्या ना थोड़ा सा इशारा कर दो तो आराम से आ जाएंगे, दिक्कत नहीं होती।
आंदो आंदो। गाड़ी तो भाई दोनों अपनी सही जगह पे लग गई हैं और फिलहाल अब होटल पे रुके हैं। तो यार होटल ही पे अपने को नहाने का जुगाड़ मिलता है, वहीं पे नहा लो, फ्रेश हो लो, खाना खा लो, आराम कर लो, फिर उसके बाद जाना जहाँ जाना हो तो वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ, फिलहाल नहाते होते हैं, नहावा के फिर उसके बाद भाई खाना वीना खा के आराम कर देंगे तो आराम करेंगे, नहीं तो फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी 230-240 किलोमीटर अभी ना अपना सफ़र है विजयवाड़ा। ठीक है, अपने नानी की जगह दिखाता हूँ, जो कि यार ये हमारी नानी की जगह है। इस होटल पे एक दो बार पहले भी आ चुका हूँ, यानी विजयवाड़ा वाले रोड पे। आ जाओ भाई, देखो पानी देखो एक बार, यही पानी है। नहाने का मन नहीं करता, मजबूरी हो जाती यार, इतना काला पानी। ये भाई है अपना तेलंगाना का बॉर्डर, जो कि चेक पोस्ट है। यहाँ भी अपनी एंट्री वगैरह और रास्ता वही बचा कर निकले, गाड़ियाँ आ रही है तेज तेज से। आ जाओ भाई, फिर चला जाए गाड़ी पे, एक बार ना टायरों पे भी नज़र मार लिया जाए। यार गर्म है या कैसा है भाई, गिट्टा पिट्टा। क्या टायर भाई अपने गर्म हो जाते, आ गई अपनी गाड़ी दूसरी भी, देखो वो भाई। जहाज है भाई जहाज, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे हो। तेलंगाना भाई पीछे छोड़ दिए, अब घुस गए आंध्रा में। अभी आंध्रा का बॉर्डर बंद है, इसलिए आंध्रा का बॉर्डर नहीं लगता। ठीक है, जो कि चेक पोस्ट अभी सामने ही मिलेगा, पर इस टाइम ना पूरा बंद है, बस तेलंगाना का चालू है। और देखो चेक पोस्ट यही है मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा, हाँ भाई चेक पोस्ट देखो यही है आंध्रा का। नहीं तो पहले भाई बहुत सारी दिक्कतें होती थी, मतलब कहने का मतलब वही है, जब चलान नहीं कराओ और एंट्री से निकलोगे तो भाई दिक्कत होगी, अगर चलान कराओगे तो कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं छेड़ेगा, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और कोई बात नहीं है। अच्छा फिलहाल आगे निकलते हैं, और विजयवाड़ा में लगती है भाई नो एंट्री, इसके वजह से अभी हम आराम आराम से चल रहे हैं। और उस्ताद जी को मैंने आगे डाल दिया कि उस्ताद जी आप आगे चलो, और जहाँ पे रुकने का जगह हो वहाँ पे भाई रुक जाया जाए, क्योंकि नई एंट्री लगती है तो यार घुस नहीं सकते इसके लिए। ठीक है, आ जाओ धीरे धीरे चलते हैं। ये अभी हम आ चुके हैं पार्किंग में, जो कि भाई साउथ में ज़्यादा करके ना आपको ऐसी पार्किंग मिल जाएगी, और सारी गाड़ियाँ भाई ऐसी ही लगती हैं, जैसे अभी देख रहे हो अभी ये सारा पार्किंग मतलब खाली है। अभी कुछ टाइम के बाद यही पार्किंग भाई पूरा भर जाता है, जैसे कि अभी देख सकते हो पूरा खाली है, जो कि हम मेन जगह पे लगाएं, जैसे देख ही सकते हो भाई सामने से जो भी गाड़ियाँ आ चुकी हैं पहले से, वो सारी गाड़ियाँ लग गई हैं, उसके बाद एक हमारी गाड़ी, उसके पीछे हमारी गाड़ी। अब ये सारा पार्किंग ना पूरा भर जाएगा। अगर मेरी वीडियो देखते हो तो जो हमारी पुरानी वीडियो है ना वो देख सकते हो, विजयवाड़ा आया था, क्योंकि मैंने लास्ट में लगाई थी भाई, वो जो पानी की टंकी दिख रही है ना वहाँ पे। तो उस्ताद भी मुझे बुला रहे हैं, चलो बुला रहे हैं, बोल रहे हैं आ जाओ, चाय साय पिया जाए या कुछ और किया जाए, पहले तो गाड़ी को करते हैं बंद। ओ भाई सुकून, उसके बाद भाई शीशे उसे चढ़ा देते ना। तो यार वैसे साउथ में ना चोरी वगैरह बहुत कम होती है, फिर भी यार अपने को ना संभल के रहना चाहिए हर एक जगह पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी अपने गाड़ियों में होती है डीजल की, और उसके बाद भाई स्टेपनी की। अगर खुला माल है तो भाई तिरपार वगैरह सब काट के ना माल भी चोरी हो जाती है। ठीक है, अभी उस्ताद जी हमारे निकल चुके, अभी शाम के भाई बज चुके हैं अपने 6 बजने में, अभी 20 मिनट
बाकी है। वैसे भाई खाना पीना खा के आ गए हम अपने गाड़ी में और अब चलते भाई फटाफट सोते हैं कि जैसे वीडियो भाई लंबी होती है ठीक, और सोने में भी आधा घंटा लग जाएगा। आ जाओ सोते हैं। और भाई आज बता दो हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा ना तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और यार गलती क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ना वो भी आप कमेंट में बताया करो ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।